हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो सब? मैं श्वेता स्वागत कर रही हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है थर्सडे, यानी कि 14 तारीख। अभी मैसेज पड़ी ना, बच्चे लोग का स्कूल से आ रहा है मैसेज, क्योंकि यहाँ पे फिर से मौसम ख़राब हो गया, फिर से बारिश स्टार्ट हो चुका है। कल ही मेरी एक आंटी फ़ोन करके बताई थी जो आपके इधर बारिश होने वाला है। देखो कितना बाहर का कैसा मौसम है, देख के लगेगा कि अंधेरा है। अभी सुबह हुई हो रहा है और पति देव तो कुछ भी हो जाए भाई, आंधी तूफान आ जाए, ड्यूटी जाना है तो जाना है। हाय रे मरी भैया, आप भी नहीं जाते तो कितना अच्छा होता। ठंडा ठंडा मौसम, फिर सबका सर्दी जुकाम और तेज होगा इससे। हमारे इस रूम में तो लग रहा है जैसे कि अंधेरा ही है, लेकिन अभी बज रहा है सुबह के 7:07। बच्चे दोनों हमारे सो ही रहे हैं। देखो बारिश कोई तेज नहीं है, लेकिन हाँ धीरे 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 लगातार हो रही है। रात सारा ऐसे ही हुआ है, तो स्कूल वगैरह हो गया आज क्लोज सबके फिर से, देख रहे हो। तो ये सुबह का नज़ारा। अब मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि पति देव को तो ड्यूटी जाना है, तो जल्दी से बनाना होगा मुझे खाना। तो गाइस आज मैं किचन में बना रही हूँ केले की कोफ्ता। तो यहाँ पर मैं बॉयल कोयले रखी हूँ और इसमें मैं मसाला सब ऐड कर रही हूँ। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गोल मरीच पाउडर डालूँगी और थोड़ी सी बेसन डाल के इसको मिला लूँगी, ठीक है। नमक अपने स्वादानुसार डालूँगी, मिर्च पाउडर भी ऐड करती हूँ, थोड़ी थोड़ी सब कुछ मिश्रण ऐड कर देती हूँ और इसको मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। और मिक्स करने के बाद आप चाहे डीप तेल में फ्राई करना चाहते हैं तो डीप ऑयल में फ्राई करें ऐसे गोल गोल बना के, और नहीं तो आप इसे चाहे तो तवे पे भी अपना तल के बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो मैं इसे फ्राई कर ली हूँ, देख सकते हैं हमारी फ्राई हो चुकी है। अब बारी आती है मसाला फ्राई करने के लिए। दीदी मैं अदरक लहसुन को कूच के रखी हूँ उसमें पानी डाल के, और इधर हमने प्याज को फ्राई कर रखी थी, कर रही थी प्याज, एकदम गैस सीम करके प्याज फ्राई कर रही हूँ मसाले के लिए। और इसमें मैं मसाला ऐड करूँगी, सबसे पहले गोल मरीच, फिर जीरा पाउडर डाल रही हूँ, उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। तो इतना ही मसाला देती हूँ, और हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट कुचा हुआ था उसमें पानी डाल के इसमें डाल दी। अब गैस को सीम कर देती हूँ, इसे 10 मिनट तक पकने देती हूँ। नमक डालने के बाद नमक डाल देती हूँ स्वादानुसार और गैस सीम कर देती हूँ, ये अपने पकते रहेगा। तो मसाला पक गया था, इसमें पानी ऐड कर दी थी, और जब उसमें बॉयल आ गया तो जो हमारा तला हुआ केले का था उसको डाल दी। धनिया पत्ता से इसे डेकोरेट कर दिया। अगर आप इसकी फूल रेसिपी चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। जब हम खाना पीना बना के आ गए हैं इधर, तो साड़ी की हमारा जो ब्लाउज पति है वो साड़ी से मैं अलग कर ली हूँ, और अस्तर हमारा पहले से खरीद के मैं रख रखी थी। तो अभी आज मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ। ज़्यादा कुछ भी डिज़ाइन नहीं बनाऊँगी, सिंपल डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। और हमारा मशीन में भी बीमारी लग रखा है, तो पहले मशीन को हमें सफाई करना पड़ेगा खोल के। तो चलो सबसे पहले हम मशीन की तरह देखें क्या हो रखा है उसके अंदर, उसकी सफाई कर दे, ठीक है। तो आप लोग बने रहो, देखते हैं। हम तीज की तैयारी कर रहे हैं, मेरे पास एनर्जी आ गया है तो तीज के लिए और ज़्यादा एनर्जी आता है। हम महिलाओं को भले ही 24 घंटा बिना पानी के सहते हैं, लेकिन तीज व्रत के लिए एकदम उत्तेजना रहता है। जो हमें तीज करना है तो करना है, ये नहीं लगता है जी हम कैसे 24 घंटा बिना पानी के रहेंगे, लेकिन ये खुशी लगता है जी हाँ मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, बहुत खुशी होती है। तो चलिए बने रहिए आप लोग। गाइस हम कैसे सिलाई करेंगे, एक घंटा से मशीन सफाई करके लगे पड़े हैं, एक घंटा से, और फिर भी इसकी धागा फंस रही है। देख लो अब आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, चलिए नहीं मशीन देखो। देखो क्या हो रहा है, ऐसे में हम क्या सिलाई करेंगे, कैसे हमारा ब्लाउज रेडी होगा। देखो ये क्या हो रहा है बैक में, देखो, जबकि अंदर का भी दो बार खोल के साफ कर चुकी हूँ। पूरा मेहनत कर दी, मन थक गया, अब नहीं हो रहा है, सीधा अब छोड़ दिए, कछलिया मन एकदम से। अब देखती हूँ सामने सुई ला के उसका सुई चेंज करती हूँ, सुई लेकिन सही है, रह रहा है, रह रहा है, उसका सिलाई एक बार खींच ले रहा है पूरा, पता नहीं क्या हो रहा है, दिमाग खराब हो जाता है कभी।
जल्दीबाजी में जाओ कुछ करने का सोचो और वो और ऊपर से कभी वादा आते रहता है। चलो गाइस फिर मिलते हैं, आप लोगों से बने रहो। आ गए हमारे मैनेजर साहब, ये शाम टाइम है, बारिश हुआ है। ऐसे हमारे इधर आज सुबह से ही बारिश हो रही है गाइस, तो मौसम अच्छा है। अभी भी बारिश हुआ है तो मैं सोची थी थोड़ा छत पे आके लाइव वाइव करूँ, लेकिन आ गए हैं पति देव, तो मैं मशीन से उकछ के, मेरा मन ने उकछ गया है एकदम से, तो जा रही हूँ अभी मैं भी किचन में थोड़ा सा कुछ नाश्ता बना दूँ, पति देव आ गए हैं तो ठीक है, आप लोग बने रहो। पकौड़ी का नाश्ता कर लिया, मैं भी बैठ के कर रही हूँ पकौड़ी और प्याज, भुजा नहीं लेती मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप लोग भी आ जाओ, दाल की पकौड़ी बनाई थी मैंने, दो खा ली तब मुझे याद आया शूट करने का, तो आ जाओ आप लोग। तो मार्केट से आने के बाद यहाँ पर ऐसे ढूंढा जाता है, देखो देखे चाचा खोज रही है दोनों मिल के, पढ़ेंगे निकाल के। झोला ढूंढती है, झोला ना 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 इसी सब का है, सदमा लग गया, गिर गया हाथ से बेचारी का, वो भी खा लीजिए, ये रख दीजिए, इसमें से दोनों मम्मा नहीं खाएगी इसमें। फिर बड़ी छोड़ा देख सकते हैं आप लोग, और मैं बना रही हूँ इधर किसकी सब्जी है, तोड़ी, शायद आप लोग बोलते होंगे, अपने यूपी वाले तोड़ी बोलते हैं, बिहार वाले झिगनी बोलते हैं, उड़ीसा वाले इसको क्या बोलते हैं, जहाँ हम भी भूल गए, झुड़ंग नहीं झुड़ंग नहीं, इसको क्या बोलते हैं, जन्नी, हाँ सर जन्नी बोलते हैं उड़ीसा में, तो उसी की सब्जी बन रही है आज हमारे घर, और गर्मा गर्म रोटी बनेगी। आटा गूंथ के मैं रख ली हूँ, थोड़ा देर इसको होने देती हूँ। तो गाइस अभी हमारा खाना पीना हो चुका है, अब जा रही हूँ सोने के लिए। खाना देखो 11 बज चुका है गाड़ी में, आप देख सकते हो। तो अभी क्या है ना, खाना खाने के बाद थोड़ा फिर से सिलाई मशीन में लगी, दोनों हम भी लगे और मानवी के पापा भी लग गए थे, लेकिन हमारा मशीन ठीक नहीं है। अब कल दिन में एक बार उसमें मैं सुई चेंज करके देखती हूँ, क्योंकि सुई अभी मेरे रूम में अवेलेबल नहीं था, कल जाती हूँ तो मौसम सही रहेगा तो जाके सुई लाऊँगी, और कल एक वीक बाद निकलूँगी घर से और फिर मशीन उसका सिलाई कर देखती हूँ। अगर सुई चेंज करने के बाद सही सिलाई हो तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर हमारा लगता है रेडीमेड ब्लाउज पहनना हमारे नसीब में लिखा है, तो फिर कोई बदल नहीं सकता, इसका लिखा कोई मेट नहीं सकता, इसलिए कहा जाता है। तो चलो हम भी चलते हैं सोने, अब एक कल दिन का इंतज़ार करते हैं जो कल क्या होता है। हमारे पास बस अब दो दिन बचे हैं, फ्राइडे और सैटरडे, आज का डे हमारे हाथ से निकल चुका है शाप, तो चलो देखते हैं कल क्या होता है। आप लोगों को तो अपडेट हम हर एक चीज़ देते हैं, तो देंगे ही देंगे। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर दे रहे हैं, और आप लोगों से फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, छोटा दिल टेक केयर, लव यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, तब तक के लिए बाय बाय।